हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रियलमी नार्जो 30 प्रो के अंदर अगर आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको जरूरत आती है अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करने की, जिससे आपके फ़ोन में जो डाटा रहे आपका सेफ रहे, कोई आपका डाटा लीक नहीं कर सके। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाता है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन में मिल जाता है ऐड फिंगरप्रिंट। सिंपली हम फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं, आपने जो पैटर्न डाला अपने फ़ोन के अंदर वो पैटर्न आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ही पैटर्न डाल देंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए। यहाँ से आप अपने फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं और इसे यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप एक बार फिर से सेट करेंगे जो कहीं रह गया हो थोड़ा बहुत आपका। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं। फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। इसे यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। जैसे आप इसे कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट वन। सामने आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का। आपके फ़ोन के अंदर वन फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अगर आपको मल्टीपल फिंगरप्रिंट यूज करना है तो आप यहाँ से इन्हें यूज कर सकती हैं। वहीं नीचे आपको ऑप्शन में मिल जाता है यूज फॉर फिंगरप्रिंट। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है आप अपने फिंगरप्रिंट को किसके लिए यूज कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक या प्राइवेट सेव। जिसके लिए आपको यूज करना हो तो आप यहाँ से इसे ऑन कर दें, अगर आपको नहीं करना हो तो आप इसे ऑफ रहने दें। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, हमें केवल अपनी स्क्रीन अनलॉक करनी है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन स्टाइल। जो भी आपको जैसा करना हो तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको करना हो अपनी स्क्रीन पे आप उसे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो यहाँ से आप करके यूज कर सकते हैं उसे। सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है शो फिंगरप्रिंट आइकॉन। यहाँ से आप इसे शो भी करा सकते हैं और ऑफ भी करा सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, हम चेक करा देते हैं हमने जो अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करा है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और ये हमने अपना फ़ोन किया लॉक। अब हम आपको चेक करा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यह हमारा फिंगरप्रिंट बन के आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।